हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की। एक्सेल में खास क्या है, क्या सीखने वाले हैं। देखिए यहां पर स्टूडेंट्स के नाम लिखे हुए हैं, इसको थोड़ा बोल्ड बना देता हूं, बोल्ड में नहीं लिख रहा है। अब ये बोल्ड हो गया है, तो अभी हमको करना क्या है, अगर मान लीजिए आपको एक रो इंसर्ट कराना है, चार फोर और फाइव इनके बीच में एक रो इंसर्ट करानी है, तो यहाँ पर रखिए कर्सर को और यहाँ पर रख करके राइट क्लिक कीजिए, फिर इंसर्ट कीजिए, तो देखेंगे रो आ गई है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये आ जाएगी इस तरीके से। लेकिन अगर मान लीजिए इसी को शॉर्टकट की से करना हो तो क्या करेंगे, तो इसको सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ कंट्रोल शिफ्ट और प्लस बटन प्रेस कीजिएगा, अल्फा न्यूमेरिक की जो प्लस होती है उसको प्रेस करना है। तो जैसे ही प्रेस किया तो एक रो इंसर्ट हो गई। ठीक है, अब दूसरी रो इंसर्ट करानी है तो फिर यही काम करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट और प्लस, दूसरी रो इंसर्ट हो गई। लेकिन अब ये ऑपरेशन हमको बार बार परफॉर्म करना है तो क्या करेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए दोनों को सेलेक्ट करेंगे तो क्या होगा, दोनों को सेलेक्ट करके और कंट्रोल शिफ्ट और प्लस करेंगे, फिर इंसर्ट हो गया। ठीक है, तो दो को करेंगे तो दो ठो इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, और यही ऑपरेशन आपको बार बार परफॉर्म करना है, तो आप खाली F4 प्रेस कर दीजिए, तो F4 प्रेस करिए, फिर दो ठो हो गया, फिर दो ठो हो गया, फिर दो ठो, दो ठो, दो ठो, दो ठो, दो ठो, कई ठो हो जाएगा। तो ये बहुत आसान है, उम्मीद है ये ट्रिक अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये ट्रिक पसंद आए तो आप इसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।